वीडियो से पहले प्लीज डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर ये क्रिएशन। आज सैटरडे की ऑफ सीजन मंडी है, यहाँ पे बोर्ड स्टार्ट हो गया, इवन काम भी स्टार्ट हुआ है, प्रिपरेशन चालू है देवनार की। देखते हैं ये साल की मंडी कैसी रहती है। काम तो हर साल अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी फिर भी भर जाता है। होपफुली ये साल देखते क्या जाता है सीजन। तो फ्रेंड्स, आज मैं अर्ली मॉर्निंग आया हूँ, 9 बज रहे अभी करंटली, और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी देखने मिली है 9 बजे के, गर्दी कम होती है और जो चीज़ होती है अवेलेबल बहुत सामने आपको इजीली देखने मिल जाती है। हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा यहाँ पे, बट आपको एक अच्छी चीज़ सेलेक्ट करने मिल जाएगी। आप पकड़ के बैठ सकते हो थोड़ा टाइम, जब व्यापारी लोग आएंगे तो डील कर सकते हो। ये आप बकरा देख लीजिए यहाँ पे, ये कलर बहुत अभी थोड़े मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि बहुत कम देखने मिल रहे हैं अजमेरा में ये कलर। स्टॉक्स बहुत अच्छे अवेलेबल है, ये सब अपने S2 बाड़े के पास के ही माल है। स्टॉक बहुत अच्छे है, जो प्रॉपर देवनार के माल नहीं है, ये सब बोल सकते हो बाहर से जो आए हैं वही है। और तो ये सब आप लोग थोड़ा टाइम रुक के अपना पसंद का बकरा निकाल सकते हो, और जब व्यापारी है तो उसके साथ डील कर सकते हो। ये S4 बाड़े के पास है, माशाल्लाह एकदम गर्म चीज़ है, जैसा 32,000 इसकी प्राइस है। इसकी जिन्हें आवाज़ वाला और गर्म चीज दोनों है, इसमें आवाज़ भी और गर्म भी है, और जिनको बालों की रिक्वायरमेंट है हैवी बकरे एकदम, उसकी प्राइस नहीं बताया वो। ये जो ब्लैक वाले की, इसकी 32,000 आस्किंग प्राइस है, माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। यहाँ पे नहलाना भी चालू कर दिए, अच्छा यार साफ सुथरा करके दे रहा बकरा। बेचने के लिए के लिया है? बेचने के लिए। कितना मांग रहा यहाँ पे भी छोटे बच्चे भी अवेलेबल है, जो बाड़े बनते थे बड़े बाड़े, जस्ट उसके बाजू में ही है जो ड्रेनेज के पास है, सभी बच्चों को अच्छे से नहला दिया। लेकिन प्राइस तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़, खूबसूरत है लेकिन प्राइस समझ के बाहर है। हाँ ये है कि बेनिफिट एक नहला दिए तो जानवर ज़्यादा अच्छे बेटर खूबसूरती में भी और लुक वाइज भी समझ में आ रहे। माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है, सोजत अन सोजत हैदराबादी क्रॉस वाले में। बेचने के हिसाब से क्या प्राइस में है बच्चे? खूबसूरती है इसमें, नहला धुला दिए तो बच्चे और ज्यादा प्यारे लग रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप स्टॉक देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये सभी S2 बाड़े के ही पास है, आगे पीछे के बाड़े में, जो यहाँ पे मंडी हमेशा लगती है। तो यहाँ पे आप लोग अर्ली मॉर्निंग आके अपना स्टॉक पसंद करके, थोड़ा टाइम होल्ड करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको होल्ड करना पड़ेगा व्यापारी आए, लेकिन ये टाइम पे आपको इजीली सिलेक्शन करने मिल जाता है, क्योंकि मंडी अभी ओपन नहीं हुई है, तो बकरे सब एक ही जगह रहते हैं, तो इजीली आपको अच्छी चीज़ें भी मिल जाएगी, ना तो मंडी ओपन होने के बाद फिर ढूंढना भारी पड़ जाता है माल कहाँ अच्छा है नहीं है। खूबसूरती में है, जिन्हें बड़े बकरे लेना हो या फिर पालने के हिसाब से छोटे बच्चे ढूंढ रहे हो, उन सब के लिए एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। फ्रेंड्स ये S3 बाड़े में है, और माशाल्लाह एक अच्छा कलेक्शन देखने मिला है अदन बच्चों में। ये जो ब्राउन वाला है, ये वाला, इसके 15,000 मांगे जा रहे, पता नहीं क्यों, बट ये बच्चा एकदम अदंत है। ये साल तो रेडी नहीं होगा, अगले साल के लिए। यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ है, ये सभी बच्चे यहाँ पे एकदम प्रॉपर अदंत है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए है, जिन्हें ब्लैक एंड वाइट की रिक्वायरमेंट होती है ब्राउन के अब लग में। 4-5 बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे, बट ये सबसे अच्छा है, लेकिन इसके 15,000 मांगे जा रहे हैं। ऐसी क्वालिटी भी अभी आने लग गई है, जैसे कि सीज़न नज़दीक आ रहा है, बड़े बकरे हो माशाल्लाह, ये बीच में एकदम बहुत ही अच्छी चीज़ है खस्ती में। तो अभी ये भी देख सकते हो कि अच्छे बड़े साइज में बकरे अवेलेबल है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप लोग आइए, पर्सनली अगर रिकमेंड करूँगा मॉर्निंग में आ जाओ, स्टॉक सब आपके सामने अवेलेबल होता है, तो इजीली सेलेक्ट करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, लेकिन ये आपको अच्छा स्टॉक सामने मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूरे देवनार में S2 S3 बाड़े में ही पूरे बाड़े बकरे मिल जाएंगे आपको। ये 2 दांत पे है, बट वही ये व्यापारी नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी है। यहाँ पे भी कुछ अच्छे बकरे हैं अंदर ही अंदर, जैसे एकदम जो प्रॉपर कुर्बानी के लायक है बकरे, खूबसूरती में भी है और अच्छे वेट हाइट वाले बकरे। जो मैदान वाला एरिया था, यहाँ पे ड्रेनेज के लिए भी काम स्टार्ट है, इवन शेड्स भी बनना स्टार्ट हो चुके,
शर्ट्स बंद तो जाते हैं, लेकिन एज यूजल लास्ट ईयर भी देखा गया था जैसे इन शर्ट्स के ऊपर से भी पानी आ ही रहा था, कहीं ना कहीं लीकेज रहता ही है। देखते हैं इस बार का कैसा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कुर्बानी बोल सकते हैं हम, जैसा समर वैकेशन समर के टाइम पे आना शिफ्ट होते जा रही है। जून में भी इतनी बारिश तो नहीं होती मुंबई में, बट स्टिल देखते ये साल कैसा रहता है सीज़न। यहाँ पर ड्रेनेज है बट ये पूरा भरा हुआ है, देखते हैं मंडी कब से लगती है और काम कितना कंप्लीट होता है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट वही है कि सुबह के टाइम पे ओनर नहीं है, लेकिन यस स्टॉक बहुत अच्छा है, खूबसूरत चीज़ है, बेहतरीन कलर में देवनार का बोल सकते हो कि किसी ने लाया है सिर्फ बेचने के लिए, बट ये प्रॉपर देवनार का माल नहीं है, किसी ने पाला है वो यहाँ पे ला के बांध दिया है, जिन्हें गुलाबी का शौक है अंडुल का। ये सब S2 S3 बाड़े के अपोजिट में कहीं ना कहीं अंदर आपको बने हुए देखने मिल जाएंगे। आप लोग आओ यहाँ पे, कोई ना कोई व्यापारी होगा इनसे डील करो। बकरे हैं जैसे जैसे कुर्बानी नज़दीक आ रही है, इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलेगी हमें। एक ये अंडुल है यहाँ पे S4 बाड़े के पास है। तो फ्रेंड्स आप लोग आइए देवनार विजिट करें एक बार, बता ना अच्छा राउंड मारिए, आपको अच्छे स्टॉक्स देखने मिल जाएंगे। और किसी को बकरी का दूध देना तो ये बच्चे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। कितने की बॉटल है? 20 रुपये की बॉटल दे रहा है ये, जो यहाँ पे बकरियाँ रहती है उसका दूध निकाल के। ये बकरा अच्छा फ्रेंडली भी है और हरकती भी है, इसको हरकत करेंगे तो चिल्लाता है, और अगर आप प्यार से रखते हो तो देख सकते हो आप खालिद भाई के हाथ में है, वो बहुत प्यार से, कुछ इशू नहीं है। तो यहाँ पे परेड निकली है बकरों की, बहुत जल्द कुर्बानी के भी बकरे देखने मिलेंगे हमें। बहुत ही अच्छे कलर में है और प्रॉपर शाइनिंग माल, जैसा फार्म पे होते हैं बकरे, प्रॉपर शाइनिंग में ये बकरा एकदम। यहाँ पे कुछ अच्छे माल, बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादातर अच्छे माल भी है। अजमेरा आप देख सकते हो, अच्छे हैवी वेट में दोनों भी, मे भी किसी ने बाहर से मंगाया हो, अगर देवनार में बिकने के लिए आया तो बहुत अच्छी चीज़ है ये दोनों भी जोड़ी। देख लीजिए बच्चे भी अच्छे हैं, इधर कलर वाइज है, सब नस्ल के देखने मिल जाएंगे। ये एक बहुत प्यारी चीज़ है जो गोल्डन कलर है, प्रॉपर शाइनिंग वाला बच्चा, अगर किसी की किसी ने मंगाया है पर्सनली तो उधर भाई जिसने भी मंगाया बहुत पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ मंगाया है, या फिर अगर कोई लेना चाहता है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये।